ऐसी सुपर टेस्टी और सबकी स्पेशल मसाला चाय बनाने के लिए ना थोड़ी मेहनत तो हमें करनी होगी। मतलब ये चाय ऐसी होती है ना कि आपको कितना भी हेडेक हो रहा हो, कितनी भी थकान हो ना, बस आपको झटपट रिलैक्स दिलाएगी। तो बस इसके लिए हमने लेना है एक, जिस बर्तन में हमें चाय बनानी है और उसमें हमने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग, मतलब ये थोड़ा बड़ा कप है, मतलब नॉर्मल से बड़ा है, बाकी कॉफ़ी मग से छोटा है, इसमें हमने डाला है 1.5 कप तक पानी। और फिर इसमें हमने अपनी मनपसंद की चाय डाल दी है, आप अपनी मनपसंद की चाय डाल दें। और फिर इसमें हमने थोड़े से लौंग, थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा में अदरक, मतलब अदरक मैंने थोड़ी बहुत ज़्यादा डाली है क्योंकि मुझे थोड़ी बहुत अदरक वाली चाय पसंद है, और वैसे भी ये मसाला चाय है तो इसमें फिर होना चाहिए ना, मतलब जनरली भी मुझे अदरक बहुत पसंद है। फिर मैंने इसमें 2 इलायची भी डाल दी है और इन सबको हमने कूट के दूसरी तरफ रख लिया है। और फिर तब तक हमारा जो चाय का पानी था, मतलब उसमें चाय का अर्क अच्छे से आ भी गया था, और नहीं भी आया होता तब भी आप उस समय भी अदरक और ये सारी चीज़ों को उसमें हमने मिक्स कर देना है। और फिर 2 बड़े कप इसमें हमने मिल्क डाले हैं, मिल्क मतलब अच्छे गाढ़े थे, और मतलब 2 फुल कॉफ़ी वाला जो मग होता है ना उससे डाला था। और उसके बाद फिर मैंने इसमें थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर और थोड़ा सा दालचीनी का पाउडर ये डाला, मतलब भाई मसाला चाय बना रहे हैं तो थोड़े से मसाले वाले स्पाइसेस तो होने ही चाहिए ना। और फिर इन सबको हमने अच्छे से किया मिक्स, और मिक्स करने के बाद गैस का फ्लेम लो कर दिया है हमने, और दूसरी तरफ हमने एक छोटे स्पून से मतलब 3 चम्मच ही शुगर लिया है। तो अगर आप ज़्यादा शुगर पीते हैं, मतलब बहुत लोग ऐसे होते हैं ना जिनको थोड़ी चाय मीठी पसंद होती है, तो आप शुगर की क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग ही डालिएगा। मैंने अपने मतलब अपने घर वालों के टेस्ट के अकॉर्डिंग ये शुगर डाली, आप अपने अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा। तो बस शुगर डाल के भी हमने इसको एक बार ऐसे स्पून से मिक्स कर दिया है, और मिक्स करने के बाद अभी भी हमने गैस का फ्लेम थोड़ा लो ही रखा हुआ था। और बस फिर हम थोड़ा सा इसमें बॉयल आने देते हैं, और उसके बाद फिर हमें जो ऐसा थोड़ा सा उसमें उसका फ्लेवर, मतलब जो स्पाइसेस हमने डाली है ना, अगर उसका फ्लेवर आपको और इन्हेंस करना है ना, तो एक कलछी लेनी है और कलछी की हेल्प से गैस का फ्लेम हाई कर देना है। और हाई करने के बाद आपको ऐसे कलछी से पहले राउंड शेप में घुमा के इसे थोड़ा ऊंचाई तक ले जाके इसको ऐसे जब आप करेंगे ना, तो स्पाइस का जो मतलब जो भी मसाले पड़े हुए ना उसका अर्क जो होता है वो हमारी चाय में बहुत अच्छे से आ जाता है। चूँकि हम ये हाई फ्लेम पर कर रहे हैं तो ये बहुत ईजिली मतलब सारा अर्क एकदम चाय में आ जाएगा, और जब आप चाय पियेंगे ना तो भाई वाह, मतलब आपको एक एक जो भी चीज़ें पड़ी हुई है ना, इलायची, लौंग और काली मिर्च और जो सिनेमम होता है, इन सब का मतलब टेस्ट आपको बिल्कुल एकदम अच्छे से समझ में आएगा। तो ये दर्द तो सर्दी जुखाम या हेडेक या थकान, मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब हम बाहर जाते हैं फिर आते हैं तो फिर हमें लगता है कि हमें कोई एक अच्छी सी वाली चाय दे दे, तो बस ये वाली चाय बना के जब आप सर्व करेंगे ना, मतलब जब ये वाली चाय आप बना के देंगे ना, तो पीने वाला भी बोल ही उठेगा कि हाँ मतलब ऐसी ही चाय की नीड थी मुझे। तो ऐसी अमेजिंग मसाला चाय जो कि अब बन के बिल्कुल तैयार है, मतलब इसको थोड़े से 3-4-5 मिनट, मतलब चाय को ना अच्छे से उबालना एक इसका बेस्ट पार्ट होता है। तो अच्छे से हम उबाल लेते हैं, उबालने के बाद फिर अब बारी आती है इसको छानने की। छानने के लिए हमने कोई भी एक बर्तन ले लेना है, उसमें स्ट्रेनर लगा के इसको अच्छे से छान लेना है। और फिर उसके बाद अगर आप चाहें तो इसे किसी बड़े कप में, मतलब पीने वाले के अकॉर्डिंग दे दीजिए आप, जिसे किसी किसी को बड़े कप में मतलब थोड़ी ज़्यादा चाय पसंद होती है, नॉर्मल आइडियल कप में भी जिसमें आपको सर्व करना है आप फटाफट इसको सर्व कर दीजिए। और बस फिर हमारी अमेजिंग से चाय बनके तैयार है, जो कि बहुत टेस्टी है, थोड़ी स्ट्रॉन्ग बनेगी क्योंकि इसमें थोड़े से मसालों का भी यूज़ हुआ है, जो कि बहुत रिलैक्सेबल होंगे और बेनिफिशियल भी होंगे। मतलब बस ट्राई करना बनता है, और इन चाय को आप किसी चीज़ के भी साथ, मतलब नमकीन के साथ, बिस्किट के साथ, सैंडविच के साथ, या अपने समोसों के साथ, जैसे शाम को फिर हमें याद आती है ना कि कुछ चाहिए हमें, तो ऐसे किसी भी चीज़ के साथ या मठरी के साथ, मतलब किसी भी अपनी मनपसंद चीज़ के साथ आपको इंजॉय करनी है ये अमेजिंग सी चाय। तो बस खाएं पिए खुश रहें, और अपने चाय लवर दोस्तों को ये ज़रूर भेजें। थैंक यू सो मच।